मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आज हम बात कर रहे हैं सीसीटीवी पाकिस्तान के ऊपर वैक्सीन्स की। आपने सुना ही होगा किस तरह वैक्सीन्स की एक पूरी बैच जो है हमारे मुल्क में पहुंच चुका है और कैसे बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बात भी की है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात हुई है। एज अ जनरल फिजिशियन और एज अ डॉक्टर मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही बेसिक बातें जो शायद लोगों को ना पता हों और उन लोगों के लिए जिनका बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है मेडिकल नॉलेज के साथ। तो सबसे पहले तो ये कि वैक्सीन जो होती है वो ट्रीटमेंट नहीं होता, मतलब आप बीमार होते हैं तो एक इलाज दिया जाता है, वो वैक्सीन नहीं होती। वैक्सीन एक प्रिवेंटिव मेजर होता है, मतलब वैक्सीन देने से ये होता है कि आपको जब वो इन्फेक्शन लगता है या आपके सामने वो इन्फेक्शन आता है तो उस तरह से आपको इन्फेक्शन नहीं होता कि जानलेवा साबित हो सके। वैक्सीन एक प्रिवेंटिव मेजर है जो बीमारी के लगने से पहले लगाया जाता है। इससे पहले भी हमारे मुल्क में बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती हैं, हेपेटाइटिस है, मीजल्स है, मम्स है, पोलियो है, आपने सभी सुना होगा। कन्वेंशनली वैक्सीन का एक तरीका होता था कि या तो जरासीम को लगाया जाता था जिस्म में, या जरासीम को इनएक्टिवेट करके, मतलब बहुत ही कमज़ोर या वीकन करके लगा दिया जाता था, या उसमें से कोई एक टॉक्सिन जो है वो लगा दिया जाता था ताकि जब असल वाला आपके सामने जरासीम आए तो आपकी जो आपका जो जिस्म है, आपकी बॉडी जो है, उसके खिलाफ एक आर्मी जो है वो पैदा कर सके, अपनी कुव्वत मुदाफियत पैदा कर सके उसके खिलाफ, क्योंकि उसने पहचाना हुआ होगा उस आर्मी को, उसको वो जानता होगा कि ये है दुश्मन और ये दुश्मन इस तरह से लगता है। तो ये हमारी वैक्सीन पहले होती थी। अब जो हुआ है कोविड एक नई बीमारी है, लास्ट ईयर ही ये डेवलप हुई और ये जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस की तरह की ही बीमारी है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन रेट ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और म्यूटेट भी कर रही है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है आपका म्यूटेट होता है, मतलब चेंज हो जाता था, इसलिए हमें इन्फ्लुएंजा की भी वैक्सीन हर साल डिफरेंट लगानी पड़ती थी। अब कोविड के साथ हुआ यह है कि चार किस्म की वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ गई हैं। आपने सुना ही होगा फाइजर है, मॉडर्ना है, कैंसिनो बायो, साइनोफार्म, एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफर्ड। जो वेस्ट में लगाई जा रही है, जो यूएस में ज़्यादा लगाई जा रही है, वो आपकी फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन है और वो हमारे पास अभी नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि एक तो वो mRNA वैक्सीन है और दूसरा उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, उसको बहुत लो टेम्परेचर में ऑलमोस्ट -70 डिग्रीज पे स्टोर करना पड़ता है। अब mRNA वैक्सीन क्या है? mRNA वैक्सीन एक नई टेक्नोलॉजी है जो इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुई भी। उसमें यह होता है कि एक प्रोग्राम आपके अंदर डाला जाता है जिससे बिल्कुल ही कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन जैसे लगने वाला एक प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बनता है ताकि आपकी कुव्वत मुदाफियत उसके खिलाफ तैयार हो जाए और फिर वो खुद ब खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इससे पहले यह वाली टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई और इसलिए यह वैक्सीन वहां पर लगाई जा रही है। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा होगा प्रमोट करते हुए, वो अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगाया है और आपको भी कह रहे हैं कि लगाओ, और ये वाली वैक्सीन है। पर अभी इस वक्त इसमें इतनी स्टडी नहीं हुई भी कि कोई बता सके कि इसके मजीद क्या साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे। इवन दो उन्होंने उसको सेफ करार दिया है, पर इसके साथ ये वाली चीज जुड़ी हुई है। ये इंफॉर्मेशन आपको देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप सुनते हैं कि किसी मिनिस्टर ने या किसी ने भी कहा है कि आप अपने ओन रिस्क पर वैक्सीन लगाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन का क्या मतलब है। mRNA वैक्सीन जो है आपके अंदर जाके बेसिकली एक प्रोग्राम डेवलप करता है जो उसकी तरह का दिखने वाला एक प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी के अंदर बना देता है कोरोना वायरस का। दूसरे वाली वैक्सीन आ जाती है एस्ट्राजेनिका या ऑक्सफर्ड वैक्सीन, जो कि हमारे यहाँ अप्रूव हुई है और जिसका ऑर्डर भी प्लेस किया है और जिसके बहुत सारे बैच आने भी लगे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने एक वायरल वैक्टर यूज किया है, मतलब इन्होंने एक इन्फ्लुएंजा टाइप वैक्सीन एक चिंपैंजी के अंदर क्रिएट किया है जो कि लगता बिल्कुल आपके कोरोना वायरस जैसा है, इसलिए ये जो है वो बीमारी तो उस तरह से कॉज नहीं करेगा, पर आपको अंदर जब हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफियत उसके खिलाफ पैदा हो जाएगी। जो आ जाते हैं आपके तीसरे वाले पे, जो साइनोफार्म है या कैंसिनो बायो है, वो ट्रेडिशनल वैक्सीन के तौर पर है। मतलब ट्रेडिशनल वैक्सीन का मतलब ये है कि कोरोना वायरस का ही एक बहुत ही वीकेंड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म, या उसको बिल्कुल कमजोर करके इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और ताकि जो है जैसे कन्वेंशनल वैक्सीन होती थी उसी तरह से ये वाली वैक्सीन जो है वो एक्ट करेगी।
अब इसमें जब हम साइड इफेक्ट्स पे आते हैं तो जो यूजुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते थे उसमें यूजुअली जहाँ पे लगता है उस साइट के ऊपर कभी स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, कुछ लोगों को चिल्स होती है मतलब कांपनी आती है, फीवर होता है, मसल पेन होती है, जॉइंट पेन होती है या हेडेक होता है, सर में दर्द, मसल एक, ये यूजुअल होता था, एक दो दिन में ठीक भी हो जाता है, पैनाडोल वगैरह लेने से वैसे भी कंट्रोल हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा सिवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है उनको नहीं देनी होती क्योंकि उनके अंदर एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, जिनको एग एलर्जी और डिफरेंट किस्म की एलर्जीज होती है। तो ये हमेशा रूल आउट कर लेना चाहिए कि एक तो एलर्जीज ना हो और आप उस वक्त फिट हों वैक्सीन लेने के कि नहीं। और बहुत सारे मुल्कों में भी, ममालिक में भी ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा बूढ़े लोगों को वैक्सीन ना दी जाए जो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जिनकी पहले ही कुव्वत मुदाफियत ख़त्म है या किसी ऐसी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं जिसमें आपकी कुव्वत मुदाफियत ख़त्म है, या प्रेगनेंट हैं आप या छोटे बच्चे जो कि ऑलरेडी उनको नहीं हो रहा कोविड, तो उनको वैक्सीन ना दी जाए और सिर्फ उन लोगों को दी जाए जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है। अब जब बार बार आपको कहा जाता है कि आप चूज़ कर लें, आप अपने ओन रिस्क पे लें, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अभी इतना रीसेंट हुआ है कि इतनी स्टडी नहीं हुई, इतने ज़्यादा ट्रायल्स नहीं हुए इससे पहले। कभी भी कोई वैक्सीन मार्केट में आने से पहले एक लंबा ट्रायल होता था, बहुत सारे लोगों पर टेस्ट होती थी, बहुत सारे फेजेस से गुजरती थी, इतना टाइम गुजर चुका होता था कि इंसान को सही तरह से उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का भी पता होता था। क्योंकि ये अभी डेवलप हुई है, इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो हमने देख लिए हैं पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्योंकि नोन नहीं है, एस्टैब्लिश नहीं है, इवन दो कोशिश की गई है और सेफ करार दिया हुआ है और बाकायदा इसको प्रमोट भी किया जा रहा है, तो आपकी चॉइस के लिए बताया हुआ है कि अगर आप कन्वेंशनल तौर पर जाना चाहते हैं तो कैंसिनो बायो या आपका जो साइनोफार्म है जो कन्वेंशनल वैक्सीन का फॉर्म यूज करती है, वीकेंड फॉर्म, वो यूज कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्राजेनिका या ऑक्सफर्ड के लिए ऑप्ट करते हैं तो वो वायरल वेक्टर है, इन्फ्लुएंजा वायरस ही है जो उसकी तरह का दिखने वाला वायरस जो उन्होंने बेसिकली दूसरे वेक्टर्स के थ्रू किया है, चिंपैंजी में किया है, वो है। और अगर आप फाइजर या मॉडर्ना करते हैं तो आपका वो mRNA वैक्सीन है जो एक नई टेक्निक है। और जो हमारे ये जो दूसरे है एस्ट्राजेनिका वाले और जो कैंसिनो बायो है या साइनोफार्म है, इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर किया जा सकता है, दो डोजेस आपको लगती है। अभी तक जो साइड इफेक्ट्स कुछ लोगों में देखे गए हैं उनमें ये हुआ है कि कुछ को सिवियर एलर्जिक रिएक्शन रहा, जिसमें कि उन्होंने उनके पास जो है एपिनेफ्रिन पेन था, जैसे कि किसी भी एनाफिलैक्टिक शॉक के केस में होता है और कई दफ़ा वैक्सीन में हो जाता है। दूसरा जो था वो कुछ लोगों को बेल्स पैल्सी हुई, जिसे हम फेशियल लकवा भी कहते हैं, वो भी रिवर्सिबल होता है, वो भी टाइम के साथ सही हो जाता है। कुछ लोगों को ट्रांसवर्स माइलाइटिस भी हुआ, जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन ये सारे बहुत ही गिने चुने केसेस थे और ये उन्हीं केसेस में होता, ये उतनी ही उसकी प्रेवलेंस थी जितनी वैक्सीन के बगैर भी होती है। लेकिन ये सारे एस्टैब्लिश नहीं है और आप जब हम कहते हैं कि आप वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं, तो मेरा ख्याल है आप बेटर जज हैं समझने के लिए कि आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को मेजर करें, देखें कि आपके लिए इसके फवायद ज़्यादा हैं कि नुकसान ज़्यादा हैं। और हमेशा हम गोली वो लेते हैं कि अगर हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा और कोई मर्ज जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है या उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, तो हम उस गोली के साइड इफेक्ट अगर उससे कम है तो उसे ले लेते हैं। पर अगर हमें लगता है कि हमारी इम्यूनिटी वैसे ही बिल्ड हो गई है या फिर हम अपना बेटर क्योर कर सकते हैं, अपनी कुव्वत मुदाफियत को बहुत अच्छा रख के, अपनी डेली रूटीन, गुड डाइट, एक्सरसाइज, अपनी विटामिन सप्लीमेंटेशन पूरी करके, तो हम उसके साथ भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके इदारा मस्ट करता है आपके लिए वैक्सीन को, या आप समझते हैं कि वैक्सीन आपने लगवानी ही है, तो इस तरह से आप उसको चूज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल साबित हुई होगी। दिस इज माई ओपिनियन ऑन इट। आप किसी भी वायरोलॉजिस्ट या किसी भी और डॉक्टर का डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी बेटर जजमेंट लेकर इस पर डिसाइड कर सकते हैं।